हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव ऑफ फूड। फेस्टिवल्स आने वाले हैं तो हमने सोचा आज बनाते हैं घेवर। चलिए शुरू करते हैं घेवर की रेसिपी। सबसे पहले 2 बोल ऑल पर्पज फ्लावर लेंगे, 1 कप मिल्क, 1/2 कप घी, कंटेनर या जग ले लेंगे, उसमें हम घी ऐड करेंगे, 1/2 कप चिल्ड वाटर ऐड करेंगे, इसको हैंड बीटर से अच्छे से बीट कर लेंगे। ऐसी कंसिस्टेंसी होगी। अब हम इसमें फिर से चिल्ड वाटर ऐड करेंगे, ऑल पर्पस फ्लावर ऐड करेंगे, मिल्क ऐड कर देंगे, फिर से हम इसको अच्छे से बीट करेंगे और एक स्मूथ फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर हम रेडी कर लेंगे। घी ले लेंगे घेवर को कुक करने के लिए। अब हम शुगर सिरप बनाएंगे। 2 बोल शुगर ले लेंगे एक पैन में, बॉल वाटर ले लेंगे, 2 बॉल वाटर ले लेंगे इसको हम हीट करेंगे अच्छे से। हमें बहुत लाइट शुगर सिरप बनाना है विदाउट स्ट्रिंग। अब हम घी को गरम कर लेंगे बहुत अच्छे से, ये हमारा हॉट होना चाहिए, और हमारा कंटेनर बहुत डीप सॉस पैन ले लेंगे या कोई भिगोना ले लेंगे। हम लेडल की हेल्प से बैटर पोर करना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम बैटर पोर करेंगे, फ्लेम हाई रखेंगे और रुक रुक कर हम इसके अंदर बैटर पोर करेंगे। हमें कितना बैटर पोर करना है इट डिपेंड्स, हमारे को क्या डिजायर्ड साइज है चाहिए घेवर का, उसी अकॉर्डिंग हम करेंगे इसको। बट मेक श्योर थोड़ा थोड़ा करके बैटर हम डालेंगे और फ्लेम हाई हो। किसी स्टिक की हेल्प से सेंटर में होल कर लेंगे इस तरीके से, और फिर से हम इसमें बैटर पोर करेंगे।
इसको हम कुक करेंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता, तब तक हम इसको कुक करते रहेंगे। देखिए ब्राउन हो गया, अब हम स्टिक की हेल्प से इसको बाहर निकाल लेंगे और इसको कूल होने देंगे। ये कूल हो गया है, अब हम इस पे हॉट शुगर सिरप डालेंगे और बहुत अच्छे से हम चारों तरफ इसके ऊपर से अच्छे से साइड से डालेंगे शुगर सिरप, और वो हॉट होना चाहिए तभी ये सॉफ्ट बनेगा और स्वीट भी लगेगा। तब हमारा घेवर ऑलमोस्ट रेडी है। हम इसको गार्निश करेंगे चॉप ड्राई फ्रूट से, आप चाहे तो रबड़ी भी डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। देखिए हमारा घेवर रेडी हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू सून, लव ऑफ फूड, बाय बाय।